हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूँ अभी भोपाल में माहिन भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शादाब भाई, खैरियत से माहिन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई अभी लास्ट वीडियो आपका बनाया था जिसमें दानिश भाई को खड़ा किया था। जी भाई। तो दो ही बकरे सिर्फ आपने हमें दिखाए जी भाई, बेच दिए वो बकरे? जी भाई बेच दिए, उसी दिन बिक गए थे जी भाई। एक बकरा उसी दिन बिक गया था, एक बकरा दो दिन बाद गया था। माशाल्लाह। तो अभी ये वीडियो के अंदर कितने बकरे आप लेके आए? इसमें पाँच बकरे। पाँच बकरे लेके आए हो, और कौन कौन सी ब्रीड के अंदर? भाई मालवा है और कोटा है। मालवा और कोटा जी। कोटा तो मेरे ख्याल से एक ही बकरा दिख रहा है। कोटा में दो हैं और तीन मालवा है, और माशाल्लाह सब बकरे बेहतरीन है। ओके, तो अभी अपन बकरे देखते हैं सीधे। जी भाई, जैसे कि ये बकरा आपके हाथ में है जी भाई, बताएं इसकी डिटेल आप मुझे। भाई ये मालवा का वरवरा है, दो दांत अभी लगाए हैं इसने, और इसका वेट आएगा 45 के लगभग, 42 से 45। ठीक है, ये सब आपने वेट मशीन के ऊपर? नहीं भाई, वेट मशीन के ऊपर चेक नहीं कर रहा, ये अंदाज से बता रहा है। अपन कोई पार्टी बोलेगी तो अपन वेट करके दे देंगे। ठीक है, तो मशीन पे तोल के वेट जी भाई। हाइट भी हाइट आएगी इसकी 32-33 हाइट आएगी, शॉर्ट हाइट में बड़े हथियारों में मालवा का भरवरे जो चलते हैं अपने सर, वो है भाई ये। ठीक है, तो उसके दांत दिखा सकते हो अभी कितना हुआ? भाई दिखा देंगे ना, दो दांत है। इजीली दिखा दे। हाँ भाई, दो ही दांत का बच्चा है, तो मेरे ख्याल से हाइट तो इनकी बढ़ना नहीं है। अगर नहीं भाई, हाइट नहीं बढ़ना, लेकिन वेट बहुत अच्छा ले लेगा बकरा। तो माहिन भाई क्या डिसाइड किया इसका प्राइस आपने? शादाब भाई इसको अपन को 23,500 का दे देंगे अपन, 23,500 बिना ट्रांसपोर्ट के। लेकिन इस प्राइस के अंदर नेगोशिएशन करोगे आप? जी भाई, थोड़ा बहुत अपन कर लेंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है, पहला बकरा हो गया अपना मालवा टच बरबरा जी। इसके बाद क्या दिखाएंगे भाई? भाई इसके बाद दूसरा मालवा है ये, जैसे कि जोड़ में है। ओके, और ये शायद गुलाबी चमड़ी रेड स्किन में बोल सकते हैं भाई, रेड स्किन में है भाई ये। डिटेल बताओ आप इसकी। भाई इसका 45 से 48 बॉडी वेट आएगा, 33-34 की हाइट रहेगी, और भाई ये भी दो दांत रहेगा। ठीक है, इसके ये दोनों अपन साथ लाए थे, इसको भी भाई उतनी का दे देंगे अपन, 23,500 रुपए का। 23,500 में, और ये भी दो दांत का, ये दांत जी भाई, दो दांत का ये भी। अगर इजीली दिखा दे जी भाई, अगर कोई भाई दोनों बकरे लेते हैं तो अपन 45,000 के दे देंगे। ठीक है, अगर जोड़ में कोई लेगा तो 45 जी भाई, और उसमें भी नेगोशिएट करोगे भाई? कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलग रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलग रहेगा, चलो बढ़िया है। एक बार चलाकर दिखा दो आप बकरे को, मस्ती करेगा अगर आप खेलोगे तो। जी भाई करता है ना, खेलो भाई। वो क्या अभी बकरे हैं यहाँ सब, बहुत सारे बकरे हैं ना, इसलिए वो उनके चक्कर में मस्ती नहीं कर रहा। ठीक है, ये दूसरा बकरा होगा अपनी इस वीडियो का जी भाई। इसके बाद जो बकरे बचे हैं अपन वो भी देख लेते हैं। ये जो तीसरा बकरा है ये कोटा के अंदर है जी भाई। ठीक है, डिटेल बताएं इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट आएगी 36-33 की हाइट रहेगी इसकी। इसका बॉडी वेट रहेगा 60 किलो के लगभग। ठीक है, और ये भी दो दांत है भाई। ठीक है, तो अभी क्या ये सोच के ही दो दांत के जानवर खरीदे कि आगे आने वाले टाइम में इजीली बिक जाए? जी भाई, क्या है कि ईद के दिन दो दांत तीन दांत ही बकरे हैं अपने पास, ईद का टाइम करीब बचा है तो दो दांत का जानवर ज्यादा खरीद रहा है जी भाई। ठीक है, डिटेल इसकी एक बार और रिपीट कर दो आप भाई। इसकी 36-37 की हाइट रहेगी इस बकरे की, 60-62 किलो वजन रहेगा, और दो दांत है भाई। ठीक है, दो दांत थे अभी जी भाई, और चार दांत होने में अभी वक्त कितना लगना चाहिए? चार दांत होने में कम से कम ये 3 महीने लेगा। 3 महीने अभी ले लेगा चार दांत होने में। ठीक है, इसका प्राइस कितना है भाई? इसका पर्सनल में रहेगा, जो भी इंशाल्लाह अपन कर लेंगे। ठीक है, इसका कॉल के ऊपर आप बताओगे। वैसे ये तो एग्रेसिव दिख रहा है बकरा, और सभी बकरे सेल्फ फीडिंग पे है ये भाई? सब सेल्फ फीडिंग पे। ठीक है माहिन भाई, ये हुआ तीसरा बकरा अपनी इस वीडियो का जी भाई, कोटा ब्रीड के अंदर जी भाई। इसके बाद मालवा बकरा एक और है भाई, इसको भी दिखाओ आप। माशाल्लाह, बहुत नायाब मालवा बकरा है, बहुत माशाल्लाह मोटा बकरा दिख रहा है तैयारी के साथ जी भाई। कितने हैं दांत इसके अभी भाई? इसने तीसरा दांत लगा लिया। तीसरा दांत अभी लगा लिया जी भाई। कितने टाइम पहले भाई इसने अभी लगाया है? मतलब ये 1 महीना लगेगा इसको चार दांत करने में पूरा। ठीक है, चार दांत अभी कंप्लीट नहीं हुआ जी भाई। हाइट इसकी भाई? इसकी 36-37 की हाइट रहेगी। ओके भाई, 70 से 75 किलो बॉडी वेट रहेगा भाई। ठीक है, और भाई टोटल पत्ती खाया हुआ बकरा है, क्योंकि ये अपन ने भोपाल से ही परचेस करा है। ये अपने लल्लू भाई पत्ती वाले हैं, उनसे ही लिया था ये बकरा अपन ने। लल्लू भाई या कल्लू भाई? लल्लू भाई, लल्लू भाई। ओके,
ये टोटल पत्ती खाता रहता है, इसका यही काम है। तो अनाज नहीं उठाता क्या भाई? अनाज भी खाता है लेकिन मतलब टोटल पत्ती भी, तो उसकी पेटी लटकी है ना भाई, पत्ती के चक्कर में लटकी है भाई। ठीक है, पत्ती ज्यादा खाई है इसलिए जो है बकरे के अंदर चौड़ान आ गई है। तो अभी सेल करोगे, इसका प्राइस आप कॉल पे ही बताओगे? जी भाई, चलो कॉल पे ही बताएंगे भाई। बहुत एग्रेसिव बकरा है ये भी, दूसरे बकरों को देख के ज्यादा एग्रेशन में आ रहा है जी भाई। आपके पास फिलहाल कितना टाइम हो गया इसको अभी? भाई इसको मेरे पास होगा 10-12 दिन। ओके, तो 10-12 दिन में खाने पीने में कोई इसे दिक्कत नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं करी, माशाल्लाह वैसा ही खाता है जैसा खाता है, नीचे पटक दो सब चीजें खा लेता है भाई। बस ये है, मैं अभी इसको लाया था, अपन दूध पिलाने लगे थे, दूध भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से पीता है बकरा, खुद से पी लेता है दूध। कितना पी रहा है भाई? 1 लीटर दूध पिला रहा है, थोड़ा बहुत बचाता है कभी कभार। अपन दिन में दूध देते हैं, रात में इसको दाना पत्ती देते हैं। खैर, वो तो उसकी खिलाई बता रही है कि तैयारी देख के जी भाई। ओके, इसका भी प्राइस जो है वो कॉल पे बताएंगे जी भाई। एक बकरा लास्ट में बचा है कोटा, वो भी आप बता दो। माइन भाई, ये आखिरी बकरा है इस वीडियो का जी भाई। और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर कोटा है, जैसे कि बकरे के जो सींग है जी वो भी बिल्कुल प्रॉपर कोटा वाले ड्रिल सींग है, और कान भी माशाल्लाह अच्छे खासे ही ले आया है, वो बहुत ज्यादा लंबे तो नहीं है जी भाई, लेकिन फिर भी ठीक है कोटा के हिसाब से जी भाई। क्या हाइट है बकरे की भाई? इसके 37-38 की हाइट रहेगी। ओके, 65 kg लगभग वेट रहेगा, 65। ओके, दांत इसके भाई? ये भी दांत छोटे निकाल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं करे, ये भी 1 महीना लेगा कम से कम। मतलब ये भी अभी 4 दांत नहीं हुआ है जी भाई, 1 महीना लगेगा पूरे 4 दांत होने में। ईद पे मुझे लग रहा है 8 दांत हो जाएगा भाई। ईद पे 8 दांत तो नहीं भाई, 6 दांत तो हो गया होगा बकरा, 8 दांत शायद लगा ले, शायद लगा भी ले, क्योंकि अभी कम से कम 1 महीना तो चार कंप्लीट होने में लेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आरटी हो जाए, बकरा थोड़ा पैटर्न में भी अच्छा आया है बकरा, हाइट भी माशाल्लाह बकरे की अच्छी है। ठीक है, लेकिन इन सब का आपने वेट अभी वेट मशीन पे चेक नहीं किया भाई? किसी का चेक नहीं करा जी। तो वो कॉल करे और सीधा आपसे वीडियो कॉल पे देख ले या वीडियो मंगा ले जी भाई, तो वो ज्यादा सही रहेगा। उससे क्या रहता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है जी भाई। ठीक है, इसका भी प्राइस जो है वो कॉल के ऊपर बताओगे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर पैटर्न में है, सींग भी बहुत बढ़िया है, चेहरा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह बकरे का। क्या लगता है आपको अभी ये बकरा ईद तक कहाँ तक चला जाएगा भाई? अगर कोई भाई लेके इसको सेल फीडिंग पे चलाता है तो भाई इंशाल्लाह 85-90 किलो तो जाएगा सेल फीडिंग के ऊपर जी भाई। और अगर भराई पे लेता है तो भाई? कोई भराई पे लेता है तो 110-115 जा सकता है बकरा, जा सकता है भाई। खिलाई के ऊपर होता है वो तो, सब इंसान की कौन कैसा खिला रहा है। ठीक है माहिन भाई, तो अभी 5 बकरे अपन ने इस वीडियो के अंदर देखे जी भाई, और उसमें 2 बकरों का आपने हमें प्राइस बताया जी भाई, जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया है जी। अब जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो वो सीधा कॉल करें आपको, इंशाल्लाह आप कॉल के ऊपर सारी डिटेल वीडियो और प्राइस बता देंगे जी भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।